कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 का प्रथम प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि है रिक्त स्थानों को भरिए। पहला देखते हैं, पहला है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर डैश है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था रूल्स पढ़ते वक्त कि कोई भी घटना और उसके नहीं होने की प्रायिकताओं का जो जोड़ है वो कितना होता है, एक। इसका मतलब ये प्रथम जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा एक, यानी कि कोई घटना और उसके नहीं होने की प्रायिकता दोनों का जो योग होगा, दोनों का जो जोड़ होगा वो होगा एक। दूसरा भाग है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अब कोई घटना हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, जीरो। कितनी होगी, जीरो। इसमें दो खाली स्थान है उसमें आ जाएगा जीरो, और ऐसी घटना डैश असंभव, अनिश्चित भी लिख सकते हैं, अनिश्चित घटना या असंभव घटना, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है। अगर कोई घटना निश्चित है कि हो ही सकती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, संभव। निश्चित घटना, निश्चित घटना या इसको संभव घटना भी हम कह सकते हैं। उसके बाद इसका चौथा भाग है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग डैश है। तो अगर हम देखते हैं कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं उनकी प्रायिकताओं का योग कितना होगा, एक। तो ये जो चौथा खाली स्थान है इसमें आ जाएगा एक। और अगला आखिरी है, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो कम से कम कितना हो सकता है, जीरो से बड़ी। किसी भी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। किससे छोटी, एक से छोटी। हमने ये डिस्कस किया था कि प्रायिकता जीरो से छोटी नहीं हो सकती और एक से बड़ी नहीं, तो इसीलिए यहाँ लिखा जीरो से बड़ी या उसके बराबर तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न।